व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। माय नेम इज़ सोमित एंड आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ कोणार्क सन टेम्पल पे, और साथ ही साथ हम घूमने वाले हैं द ब्यूटीफुल चंद्रभागा बीच, और देखने वाले हैं कोणार्क के बारे में, जानने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कोणार्क टेम्पल के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में। सो कीप वॉचिंग। कोणार्क और चंद्रभागा की बात उठी है तो इस ब्यूटीफुल मरीन ड्राइव को भला कौन बोल सकता है। यस, दिस इज़ द ब्यूटीफुल मरीन ड्राइव दैट कनेक्ट्स Puri to Konark, which is about 35 किलोमीटर लॉन्ग। और भुवनेश्वर से ये कोणार्क करीब 60 किलोमीटर है। और इफ़ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम देन आई वुड सजेस्ट यू टू कम बाय दिस मरीन ड्राइव रूट सो दैट यू विल गेट टू विजिट Puri as well as Konark. And in between you can experience this mesmerizing beauty of this marine drive. So आज हम इस वीडियो में पहले चलते हैं कोणार्क सन टेम्पल घूमने, then we'll move on to Chandrabhaga beach and then we'll end this video. So let's go. So guys, this is the parking for कोणार्क सन टेम्पल में जाना है तो ये है पार्किंग उसका, इसका टिकट यहीं पे होता है। सो गाइस, कोणार्क सन टेम्पल में जाने के लिए टिकट होता है यहाँ पे। ये आप यहाँ पे जो है स्कैन करके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। सो अभी हमने टिकट कर दिया, अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं। सो गाइज़, अभी मैं कोणार्क सन टेम्पल के पास हूँ। ये मेरे पीछे देख रहे होगे कोणार्क सन टेम्पल, और जितना सुंदर ये मंदिर है उतना सुंदर ही इसके पीछे का हिस्ट्री है। सो गाइज़, ये जो देख रहे हैं ये पूरे कोणार्क सन टेम्पल का जो 50% है अभी बचा हुआ है। यहाँ पे जो है उसका एक मेन मंदिर था जो कि टूट गया, क्योंकि कहा जाता है कि पहले जो मंदिर जब बनाया गया था उसके सिर पे एक बड़ा सा मैग्नेट था, जिस वजह से वो पूरे मंदिर को एक साथ जोड़ के रखता था। और जो इसका मेन जो अट्रैक्शन था ये मंदिर का वो था मूर्ति और चुंबक था जो मेन मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगा हुआ था, जिस वजह से मंदिर का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो इंटैक्ट था, उसको होल्ड करके रखता था। मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वो चुंबक वो मंदिर के कंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता था। और एक चीज़ ये था कि ये जो चुंबक था उसके वजह से जो सूर्य भगवान का जो मूर्ति था, जो स्टैचू था मंदिर के अंदर, वो ज़मीन पे नहीं रहता था। ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि उस मैग्नेट के वजह से जो अष्ट धातु का जो मूर्ति था उसमें 8 मेटल्स मिला के वो मूर्ति को बनाया गया था, और उसके वजह से क्या होता था कि वो फ्लोट करता था। उस मूर्ति के बीच में एक हीरा था, जब सनराइज़ होता था पहली किरण सूर्य का वो इस नाट्य मंडप पे गिरता था, उसके बाद मंदिर पे गिरता था, उसके बाद सूर्य भगवान के जो नाभि पे गिरता था, और उसके गिरने के वजह से जो हीरा होता था वो चमकता था। और वो वही सबसे मेन अट्रैक्शन था इस मंदिर का। बहुत प्रख्यात हुआ ये मंदिर, और उसके वजह से जो काला पहाड़ है उसको इस चीज़ के बारे में पता चला, और उसको ये हीरे की लालच लगी, आक्रमण किया इस जगह के ऊपर। और काला पहाड़ जो है, काला पहाड़ को इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बारे में आइडिया था, उस वजह से वो इस मंदिर का जो मेन जो ऊपर मैग्नेट लगा हुआ था, बड़ा सा मैग्नेट था, उसको तोड़ने में सक्सेसफुल हो पाया। और उसके तोड़ने के वजह से ही वो उस अष्ट धातु का सूर्य भगवान का जो मूर्ति था उसमें जो हीरा था उसको वो निकाल के ले पाया। तो फिर वो जो चुंबक उसने तोड़ दिया, उस वजह से क्या हुआ, जो मंदिर का जो सारे पत्थर थे जो इंटैक्ट होके थे उसमें उस चुंबक के वजह से क्या हुआ, मंदिर आधा टूट गया। और पर मंदिर के जो चुंबक के टूट जाने के वजह से वो जो आते जाते पोर्तुगीज़ बिजनेस जो जहाज़ होते थे, पोर्तुगीज़ व्यापारिक जहाज़ होते थे, उसको वो डुबाने लगा। और उसके डूबने के वजह से बहुत सारे जहाज़ जब डूबने लगे तो वो भी थोड़ा कॉशियस हो गए और उनको पता चला कि ऐसा कुछ चुंबक है एक मंदिर में, उस वजह से सारे जहाज़ डूब रहे हैं। तो वो फिर पोर्तुगीज़ से आए, जो आधा बचा था जो मैग्नेट उसको उन्होंने ले लिया और उस वजह से जो और बाकी का हिस्सा था जो मेन मंदिर का वो भी टूट के बिखर गया। तो अभी जितना बचा, अभी कुछ 10-20% बचा है मेन मंदिर का, वो अभी है। और बाकी सामने वाला जो मंदिर है, सामने वाला जो है वो मंदिर है नहीं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट इज़ 50% ऑफ द एंटायर टेम्पल। तो मेन मंदिर था तो नहीं रहा। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द हिस्ट्री अबाउट दिस कोणार्क टेम्पल। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ टू हिट अ लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन चंद्रभागा बीच। गाइज, मैं अभी चंद्रभागा बीच पे हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल बीच इन उड़ीसा एंड ये सुंदर इसलिए है क्योंकि ये यहाँ की क्लीन बीच है यहाँ का। और या इसका जो लहरें हैं ना, इसकी लहरें बहुत हाइट में जाती है, मतलब की लहरों की हाइट बहुत है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। जो नॉर्मल डे में ऐसा है, पूनम वूनम में तो बहुत ही मतलब बहुत ऊपर जाता है। बोलते हैं करंट है इसमें, तो उस टाइम मना किया जाता है कि पानी में मत जाओ करके। सो अभी क्या नज़ारा देखो। और यहाँ पे पीछे उस साइड बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ भी होती है, जिसको करना है करे। वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, उसके चार्जेस लेके फन एक्टिविटीज़ करते हैं। हॉर्स राइड है, सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इस साइड बोट्स हैं, ये सारे मछुआरे हैं यहाँ से, यहाँ पे मछली पकड़ने जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं इस साइड। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ the beautiful beach of Chandrabhaga and कोणार्क तो आपने देख ही लिया। अगर आप कोणार्क आते हैं तो इसको भी घूम लेना। ये जो बीच है कुछ कोणार्क से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और 3 किलोमीटर इज नथिंग। तो आप आते हो तो ऑब्वियसली आप इसको देख के ही जाओगे, नो डाउट। सो दिस इज़ द बीच, look at the beach। This is it. This is my entire video on Konark Sun Temple and Chandrabhaga Beach. So if you like the video, then please do hit the like button and subscribe my channel if you are looking my face for the first time, so that I will get motivation to bring out such beautiful videos for you. So till then, keep traveling, drive safe और wear your mask. Till then, मिलते हैं next वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर।